राइट है, हम कर रहे हैं वो चीज़, बट देन हमें उस चीज़ पे इतने क्रिटिसिज्म मिलेंगे कि हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कितने साल के हो? ना 8 साल के हो, ना 80 साल के, ना बच्चे हो, ना बूढ़े, जवान हो। जवान होने का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? डरपोक होना, डरपोक होना। दुनिया आएगी 10 बातें बोलेगी, पीछे हट जाना। हाँ भाई, कुछ नहीं करा जा सकता अगर डरते हो, कुछ भी नहीं करा जा सकता। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, कौन कौन डरता है? और जो हाथ उठा रहे हैं वो कम से कम अपने डर को देख पा रहे हैं, इसीलिए जोर से हाथ उठाओ। ऐसे ही जीना है, मजा आता है डरने में। हाँ, कितना मजा आ रहा है। तू चलेगी डरने? हाँ डरते हैं, साथ में डरेंगे और ज्यादा मजा आएगा। हाँ भाई, सामूहिक डर का आयोजन किया गया है। हाँ, पर हम हैं ही ऐसे। काम क्या है? सिवाई नहीं यार, तुमने देखा है कि हम कैसे जीते आए हैं? अरे फर्क नहीं पड़ता यार, जो नाम भी है वो तुम्हारा नहीं है, मेरा नाम यहाँ कितने लोगों को पता है, क्या फर्क पड़ता है इससे? सुन तो रहे हो ना, और थोड़ी देर में पता चले कि जो नाम पता था वो गलत है, तो उससे क्या बात बदल जाएगी? तो क्यों इस बात पे इतने आकर्षित हो रहे हो? देखा है तुमने कि हम कैसे जीते हैं? क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि जितनी फिल्में बनती हैं उनमें बड़ी संख्या हॉरर मूवीज की होती है? क्या देखा है कभी इस बात पे गौर किया है? और क्या तुमने देखा है कि जो एक सामान्य फिल्म भी होती है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य जरूर डाले जाते हैं जो तुम्हारे भीतर डर जरूर जगाए? कि पहाड़ की क्लिफ है और उसमें हीरो की गाड़ी है और वो अटकी हुई है, वो गिर भी सकता है, बच भी सकता है, जानते हम सब हैं, कभी मरेगा नहीं। पर वो सीन डाला जरूर जाता है कि तुम्हारे भीतर डर जगाया जाए। ये डर जो है ये एक प्रकार की खुजली है, ठीक है? उसमें बात ये है कि खुजली बुरी होती है, इरिटेटिंग होती है, पर उसको खुजाने में आनंद बड़ा आता है। हाँ समझो इस बात को, इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, हंसो मत बस। हाँ हाँ हाँ, नोबडी फाइंड्स एन इच टू बी रियली नाइस, बट ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस कि उसी को बार बार खुजलाने में कितना आनंद है। तो डर हमारे जीवन में वही रोल अदा करता है जो एनर्जी, जो उत्साह, जो एक्साइटमेंट एक सच्चे जीवन में होना ही चाहिए, उसका एक नकली सब्स्टिट्यूट है डर। क्या तुमने देखा है कि जब तुम डरते हो तो पूरी तरह अलर्ट हो जाते हो? आदमी क्या, जानवर भी, कभी किसी खरगोश को देखना जब वो डरा होगा तो उसके दोनों कान पूरे रडार की तरह, देखा है? एक डरे हुए जानवर को भी देखो पूरी तरह अलर्ट हो जाता है।
चूंकि हम अलर्ट जीवन नहीं जीते तो इसलिए जीवन में उसकी भरपाई होती है इस नकली अलर्टनेस के द्वारा। हमारे जीवन में कमी है अलर्टनेस की तो हम ऐसे मूवमेंट्स ढूंढते हैं जब हम पूरी तरह जग जाए। डर में कम से कम ये भ्रम होता है कि अभी मैं जग गया हूँ पूरी तरह। एक डरे हुए आदमी की आंखें देखी हैं, ऐसी रहती हैं, कैसी रहती हैं? पूरी तरह से खुली हुई, जगी हुई, रिसेप्टिव, ओपन, अलर्ट। ओनली अ सिक मैन लव्स फियर एंड वी ऑल लव फियर। वी मे क्लेम कि हमें डर अच्छा नहीं लगता, सच ये है कि हम डर को आमंत्रित करते रहते हैं, वरना हम हॉरर मूवीज देखने नहीं जा सकते थे। हम पैसे दे दे के डर देखने जाते हैं, हम पैसे दे दे करके डर देखने जाते हैं। इसका अर्थ तो समझो, तुमने देखा है ज्यादातर मॉल्स में वो सब होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो जो डरावनी गुफाएं होती हैं, हॉरर हाउस, स्केरी हाउस और इस तरह की चीजें, तुमने कभी समझा है कि इनका अर्थ क्या है? कोई क्यों पैसे दे करके अपनी हालत ऐसी तैसी कराएगा? और घुस रहे हो और चीखे मार रहे हो। क्या तुमने कभी देखा है कि ये सब जो बड़े बड़े झूले होते हैं, ह्यूज, उस पे जो रोलर कोस्टर और कई और दूसरे, उस पे जो लोग होते हैं वो कैसे चीखे मार रहे होते हैं जब झूला एक तरफ हो जाता है तो? वास्तव में हालत खराब हो रही होती है, उनमें चेतावनी लिखी होती है जिनका दिल कमजोर हो उस पे चढ़े ना, क्योंकि डर बहुत जोर का लगेगा। पर आप फिर भी चढ़ते हो, क्यों चढ़ते हो? इसलिए क्योंकि जीवन बिना डराए काम नहीं चलता, क्योंकि जीवन इतना रूखा सूखा है, उसमें रोमांच की, उत्साह की इतनी कमी है कि आपको इस तरीके से पूरा करना पड़ता है कि झूले पे बैठ लो और ये कर लो और वो कर लो। डर बीमारी है जो हमने खुद पाल रखी है, और डर पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि डर एक अधूरे जीवन की पैदाइश है। जीवन पूरा कर लो, डर अपने आप चला जाएगा। जो एक पूरा पूरा जीवन जी रहा है वो डर नहीं सकता। डर आता है ताकि रोमांच आ सके। जिसके जीवन में रोमांच पहले से ही है उसके जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं। बात समझ रहे हो? तो अगर आप एक इंटीग्रेटेड कंप्लीट होलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं तो आप कहिए डर क्या होता है? आई डू नॉट नो फियर।